हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया कॉर्नर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मेकअप ब्रांड के बारे में, जो कि है क्रिस्टीन। क्रिस्टीन के आज मैं आपको दिखाऊंगी ब्रश सेट और बताऊंगी इसकी प्राइस, इसकी पैकेजिंग और इसके अलावा ये वर्थ बाइंग है, ये बिगनर्स के लिए कैसे हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बताऊँगी। सो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है और 23 पीसेस आपको मिलेंगे इसमें किट में, और इसकी प्राइस है 1890 रुपीज़। मैंने इसे लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, आप चाहें तो लोकल मार्केट से भी परचेज़ कर लें या फिर आप इसे ऑनलाइन से भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं दराज के लिंक नीचे मैंशन कर दूँगी। तो चलें अब इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने पर आपको मिलता है एक पाउच, जो कि इस तरह से, जिसमें दो टिच लगे हुए हैं और ये इस तरह से ओपन होता है। तो अब ये ओपन हो गया है। इसमें 23 जो हैं पीसेज हैं और मैं आपको सब बताऊंगी कि ये कैसे यूज़ होते हैं, किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बड़े वाले ब्रश से। सो ये है पाउडर ब्रश, जो कि ऑफ़ कोर्स पाउडर अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप मेकअप सेट करते हैं तो आप उसके लिए इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही फ्लफ़ी है, आपकी स्किन को जो है बिल्कुल भी ये रफ़ नहीं लगेगा। तो अब आते हैं सेकंड ब्रश पे। ये है क्रिस्टीन का लिक्विड मेकअप ब्रश। ऑफ़ कोर्स ये लिक्विड मेकअप ब्रश लिखा हुआ है, तो ये लिक्विड के लिए ही, फाउंडेशन के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी सॉफ्ट है और ये बिल्कुल ही फ्लैट है, तो आपका जो मेकअप फाउंडेशन है वो काफ़ी अच्छा लगेगा इससे। तो अब आते हैं थर्ड ब्रश पर। जो तीसरा ब्रश है वो है पोर फिलिंग ब्रश। ये जो है आपके पोर्स को फिल करने में मदद करेगा। अगर आप इस पर थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर लें, देन आप अपने पोर्स को फिल कर सकते हैं, जिसके बाद जो है आपके पोर्स नहीं दिखेंगे। और ये भी एक फ्लैट ब्रश है, तो ये भी काफ़ी सॉफ्ट है। तो अब आते हैं फोर्थ ब्रश पर, जो कि है ब्लश ब्रश। ये ब्लश इस्तेमाल करने के लिए ही यूज़ होता है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका ट्रायंगुलर शेप है, जिसकी वजह से ब्लश का जो स्ट्रोक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी काफ़ी फ्लफ़ी है और मैं अपना ब्लश भी इसी से लगाती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। तो अब आते हैं फिफ्थ पर। ये है क्रिस्टीन का फ़ैन ब्रश। ये इसकी क्वालिटी जो है मुझे इतनी पसंद नहीं आती, क्योंकि जब भी मैं इसे हाइलाइटर उठाती हूँ तो वो सारा ही ख़राब हो जाता है और अच्छे से फेस पे नहीं अप्लाई होता है। सो इस ब्रश का जो है कुछ भी वर्थ नहीं है इसमें, क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही लो क्वालिटी का ब्रश दिया है इन्होंने। तो अब सारे फेस के ब्रशेस पूरे हो गए हैं, तो अब आते हैं आई शेडोज ब्रश पर। सो ये एक आई शेडो ब्रश है, ये ब्लेंडिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है अगर आप इसे करना चाहें तो, लेकिन ये काफ़ी फ्लैट है, तो आप इसे अपने आँखों के नीचे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम अपना आई शेडो ब्लेंड करते हैं आँखों के नीचे से भी, और आप इसे जो है आउटर वी कॉर्नर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आते हैं आई शेडो के सेकंड ब्रश पर। ये एक मल्टीपर्पज़ ब्रश है, जिससे आप अपने आई शेडो को ब्लेंड भी कर सकते हो और इनर वी कॉर्नर, आउटर वी कॉर्नर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा आप इसे अपने पोर्स फिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी स्ट्रोक यूज़ करने के लिए भी, मारने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये है, ये भी क्रिस्टीन का एक ये है उसका एक कॉन्टोरिंग ब्रश। नेम मिट चुका है क्योंकि यूज़ कर करके इसकी हालत ऐसी हो गई है। तो ये कॉन्टोरिंग के जो हम स्ट्रोक्स पहनते हैं, जो हम लाइन लगाते हैं, देन उसके बाद हम किसी दूसरे ब्रश से ब्लेंड करते हैं, तो ये उसके लिए काफ़ी यूज़ होता है। मैं इसे एज अ ब्लेंडिंग ब्रश भी यूज़ करती हूँ आई शेडो पर, क्योंकि यही एक ब्रश है जो बहुत बड़ा है और काफ़ी फ्लफ़ी है, जिससे आई शेडोज जो हैं अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे स्ट्रेट हैं और इसमें ब्लेंडिंग ब्रश एक भी नहीं है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। सो ये है क्रिस्टीन का आई शेडो ब्रश। इसका भी जो नेम है वो मिट चुका है बिल्कुल, ये आपको बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं होगा। तो ये जो है इनर वी कॉर्नर के लिए भी यूज़ होता है और आउटर वी कॉर्नर के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप इसे अपने आईब्रो वाले बोन्स को हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो अब आते हैं नेक्स्ट आई शेडो ब्रश पर। ये भी एक आई शेडो ब्रश है, ये बहुत ही पतला सा है, छोटा सा है, तो ये आपकी इनर कॉर्नर में जो हम हाइलाइटिंग करते हैं थोड़ी सी, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये भी काफ़ी अच्छा है और इससे जो इनर वी
कॉर्नर में जो हम हाइलाइटिंग करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होती है क्योंकि बहुत छोटा है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पर। ये एक एप्लीकेटर ब्रश है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो ये आपने नोटिस किया होगा कि सारे आई शेडो ब्रशेज, सारे आई शेडो पैलेट्स में मौजूद होता है। बेसिकली एप्लीकेटर जो है वो शिमर शेड्स के लिए यूज़ होता है, जो हम अपने आई बॉल्स पर यूज़ करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उससे ये बहुत ज़्यादा अच्छे से पैट होता है और जो हमारा शिमर शेड है वो बहुत ज़्यादा पॉपअप होके दिखता है। तो अब आते हैं आईलाइनर ब्रश पर। ये आईलाइनर ब्रशेस जाहिर सी बात है, ये आपको देख सकते हैं आप, ये बहुत पतला सा है लेकिन ये एक बार धोने के बाद ऐसे खुल गया है, तो इसे आईलाइनर अब ठीक से नहीं लगता। तो मैं एक दूसरा आईलाइनर ब्रश यूज़ करती हूँ लगाने के लिए। तो इससे जो है आईलाइनर काफ़ी, आप जितना पतला लगाना चाहें उतना पतला लग सकता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट ब्रश पर। ये एक बहुत ही स्ट्रोक वाला और ट्रायंगल टाइप का ब्रश है, इसको कट ब्रश कहा गया है क्योंकि ये आपके जो है कट क्रीज जो हम आई शेडोज पे करते हैं, कट करते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप अपने आईब्रोज़ की शेप निकालना चाहें उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है। तो अब आते हैं नेक्स्ट ब्रश पर। ये एक बहुत ही छोटा सा ब्रश है, ये इतने ही साइज़ का मिला है। ये एक लिप ब्रश है, इसमें जो है आप अपनी लिपस्टिक जो है अंदर फिलिंग कर सकते हो उससे। तो ये काफ़ी अच्छा है, जो आपके लिप्स हैं अंदर उसमें जो लिपस्टिक है वो बहुत अच्छे से लगेगी। तो अब आते हैं लिप के ब्रशेस पर। तो ये क्रिस्टीन का लिप ब्रश है, ये भी जो है लिप्स के लिए ही यूज़ होता है, लिपस्टिक लगाने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल लाल कर दिया यूज़ कर करके। इससे जो लिपस्टिक है वो बहुत ज़्यादा फाइन लगती है और हर जगह से इवन लगती है। जब आप खासकर ब्राइडल मेकअप कर रहे हो या फिर मेहंदी मेकअप कर रहे हो तो कहीं से लिपस्टिक कम कहीं से ज़्यादा, इससे जो है आपकी लिपस्टिक बिल्कुल बराबर लगेगी। तो अब आते हैं नेक्स्ट ब्रश पर। तो ये भी एक मल्टीपर्पज़ ब्रश है, ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही फ्लैट है। तो इससे जो है मैं अपनी नोज़ कॉन्टोरिंग करती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इससे जो स्ट्रोक्स हैं नोज़ पर वो ज़्यादा ही पतले और अच्छे आते हैं। देन उसके बाद मैं उसे किसी भी ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लेती हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट ब्रश पर। ये भी एक आई शेडो ब्रश है, आप चाहें तो इसे ब्राउ बोन पे हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आउटर वी कॉर्नर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी जैसे मर्जी हो आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ब्रश पर। ये भी एक आई शेडो ब्रश है। ओ गॉड, कितने ज़्यादा आई शेडो ब्रशेज़ इन्होंने दिए, इतना तो उनका यूज़ भी नहीं है। तो ये भी इनर वी कॉर्नर के लिए भी यूज़ हो सकता है, अगर एक ब्रश ख़राब हो जाए तो आप दूसरा ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। मुझे लगता है इसलिए इन्होंने दो तीन ब्रशेज़ दे दिए हैं एक्स्ट्रा। ओ माई गॉड, एक और आई शेडो ब्रश। अब इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ भी वही आउटर या इनर कॉर्नर की क्रीज कट करने के लिए या फिर उनमें ब्लेंडिंग करने के लिए। तो ये सिर्फ उसी के लिए यूज़ हो सकता है। आप इसे एज अ लिप ब्रश चाहो भी तो यूज़ कर लो, भले आपकी मर्ज़ी है, जैसा चाहे आपका दिल आप यूज़ करो। अब देखें ये कौन सा ब्रश है, ये भी आई शेडो ब्रश। इसको तो मैंने एज अ लिपस्टिक लगाने के लिए यूज़ किया है क्योंकि एक जो है ब्रश लिपस्टिक में ख़राब हो जाए तो दूसरा मैं दूसरी में ख़राब कर देती हूँ। ये भी एक बहुत ही अच्छा, मैं इसे एज ए लिप ब्रश ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है और बहुत ज़्यादा जो है फाइन आता है, लाइन आती है। आप इसे एज ए जो लिप लाइनर के हम स्ट्रोक्स लगाते हैं, लिप लाइनर के लिए जो शेप बनाते हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इसे उसी के लिए यूज़ करती हूँ। तो अब थोड़ा कोई चेंज ब्रश आया है। तो ये जो है बेसिकली एक मस्कारा ब्रश ही है, लेकिन इसमें मस्कारा तो अब मस्कारे में तो डिप नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ ब्रशेस होते हैं। ये जो है आपके जो आईब्रोज़ हैं उनके जो बाल हैं उनके हेयर हैं उनको सेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर आप उनका शेप निकालें, उन्हें ब्लेंड करें, देन आप उनसे अपने बालों को जो है सही तरह से सेट कर सकते हैं। तो अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल ब्रश पर। ये भी एक आईब्रो ब्रश है। तो ये जो है एक कॉम्ब की तरह है, लेकिन इसका तो कोई पर्पज़ मुझे लगता नहीं है क्योंकि ये तो बेसिकली तब यूज़ करते हैं हम जब हम आईब्रोज़ बना के उनकी कटिंग करते हैं एक्स्ट्रा बालों की। इसका तो कोई पर्पज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने दिया है। तो आप इसे आईब्रोज़ के बाद जो जो आपके बाल बड़े होते हैं आप उन्हें ऊपर करके देन आप उन्हें कट कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको सारे ब्रशेस का यूज़ बता दिया है, अब चलते हैं इसके प्रोज़ एंड कॉन्स की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज़ की। तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है क्योंकि जस्ट आपको इसे बंद करना है, देन रोल करना है और आप इसे किसी भी बैग में डाल सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। उसके अलावा जो है ये बहुत काफ़ी ये सॉफ्ट हैं और दूसरा बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो न्यू न्यू मेकअप सीख रहे हैं
और 23 डिफरेंट ब्रशेस मिलते हैं, सो ये भी एक काफ़ी एक अच्छी बात है इस इन ब्रशेस में। और दूसरा ये कि ये आपको किसी भी लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं मिलते, ये हर जगह मिलते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान का मेकअप ब्रांड है। और उसके अलावा ये मल्टीपर्पज़ भी हैं क्योंकि बहुत सारे ब्रशेज़ हैं और कई सारे ब्रशेज़ को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसके कॉन्स की तरफ। क्वालिटी वाइज ये उतने अच्छे नहीं हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2-3 धोने के बाद जो है इसके सारे ब्रसल्स अलग अलग हो जाएंगे और इसके ब्रसल्स जो हैं आस्ता आस्ता निकलते भी जा रहे हैं। सो 1890 के हिसाब से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो थोड़े ज़्यादा महंगे ब्रशेज़ हैं, और इसमें कुछ ब्रशेज़ ऐसे भी हैं जिनका कोई वर्थ नहीं है, जैसे कि ये फ़ैन ब्रश, क्योंकि इसका कोई भी यूज़ नहीं लगता, ना इसे अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई होता है। दूसरा ये वाला ब्रश जो कि कॉम्ब वाला है, इसका भी कोई यूज़ नहीं होता हमारे मेकअप में, इसका सिर्फ यूज़ होता है हमारे आईब्रोज़ को सेट करने में। उसके अलावा एक और कॉन ये है कि इसमें कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है, क्योंकि आप सारे जितने भी मैंने आपको आई शेडोज़ ब्रशेस दिखाए हैं वो सारे फ्लैट हैं, तो उसमें जो है एक क्रीज सा बन जाता है और अच्छे से आई शेडो ब्लेंड नहीं होता है, तो इनमें ऐसा कोई भी एक फ्लफ़ी ब्रश नहीं है जो कि आई शेडोज़ के लिए यूज़ हो। तो मेरे स्वीट व्यूवर्स, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ थम्स अप टू माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, और लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर कि आपको इसका ये रिव्यू कैसा लगा है। सो टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी गुड बाय।